और भाई कैसी चल रही है तुम्हारी जेई की तैयारी? अबे भाई ये मेहनत वेहनत का जमाना गया, अब तो 15 लाख रुपए जमा करो और अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ। लाओ मैं दिलाता हूँ तुम्हें NIT त्रिची में CS। अरे यार एक टाइम था जब इंडिया में कोई बंदा अगर बताता था ना अपनी रिश्तेदारी में कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ या जेई मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा तो बड़ा मेहनती होगा, ये बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। पर ऐसे केसेस ने ना इस एग्जाम की इज्जत इतनी बुरी तरह डुबा दिया है। एक तो पहले ही NTA आ गया था तो उन्होंने तो ठान लिया था कि भाई इस एग्जाम को जो अच्छा खासा चल रहा है, हर साल बढ़िया तरीके से हो जाता है एक दो शिफ्ट में, ठीक है, इसकी हम पूरी रद्द मार देंगे। हम 4 से 5 बार इसको साल में कराया करेंगे, 1 बार में 4 बार कराया करेंगे, 25-30 पेपर कराया करेंगे एक साल में, और फिर भाई पेपर का लेवल बिल्कुल कबाड़ा कर देंगे, जहाँ 50% मार्क्स पे आराम से 10,000 रैंक यानी 99% के करीब आ जाया करती थी पहले। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई कम से कम 80% मार्क्स तो बच्चों को लाना चाहिए ना। आज अगर तुम किसी दूसरे बंदे को एक क्वेश्चन पेपर दे दो बोर्ड का और एक क्वेश्चन पेपर दे दो अपना जेई मेंस का केमिस्ट्री का, तो भाई बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा बोर्ड का है और कौन सा जेई मेंस का। मतलब जेई मेंस में इंटीजर टाइप डाल दिए, बोर्ड में MCQ घुसा दिए, पता नहीं कर क्या रहे। अब तो ऐसा लगता है कि जेई मेंस में सिर्फ मैथ्स ने ही इज्जत बचा रखी है और बाकी चीज़ों को तो ये पता नहीं क्या ही करके मानेंगे। जहाँ 50-60 नंबर पे किसी सब्जेक्ट में 99% आया करती थी ना, अब भाई 80-80 नंबर ला के नहीं आ रही। अब अगर तुम्हें ये ना पता चला हो अभी तक कि मैं किस चीज़ के बारे में आखिर बात कर रहा हूँ, तो भाई वैसे तो तुम्हें पता ही होगा मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन तुम ये चीज़ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये ऐसा कुछ स्कैम हुआ हो, लास्ट ईयर भी ऐसा एक स्कैम आसाम से निकल के आया था जब पता चला था कि भाई आसाम का जो टॉपर था वो ही स्कैमर था, बंदे को कुछ आता नहीं था, उसकी जगह दूसरा बंदा जाके पेपर में अंगूठा लगा के पेपर दे के आ गया था। तो भाई तुम सोचो यार कि ये तो एक या दो इंस्टेंसेस होते हैं, और इस साल तो चलो CBI इंक्वायरी बैठी है तो काफ़ी बंदे निकल निकल के आ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, बट ऐसे कितने बच्चे होते होंगे, मतलब ये तो चलो बहुत एक्सट्रीम केसेस हो गया कि 0.7% से 99.5% पे जंप मार दी तो थोड़ा डाउट हो गया। अब ऐसे कितने बच्चे होंगे यार, तुम हो, मैं हूँ, हम मान लो 90% लाए थे, हम तो भाई घिस घिस के मेहनत करके 95-96 तक जाना चाहते हैं, वो बंदे भाई 80 से सीधा 99.8 पे पहुंच गए होंगे, किसी को पता ही नहीं चला होगा क्योंकि इतना डिफरेंस ही नहीं था। तो भाई कितना ख़राब सिस्टम हो चुका है इस वक्त, ये समझ में नहीं आ रहा, सिस्टम को गाली दूँ, बच्चों को गाली दूँ, ऐसे लोगों को गाली दूँ, क्या बोलूँ, बट समझ में नहीं आता भाई। लेकिन ये टोटली ना इनजस्टिस है हम जैसे लोगों के लिए, जो हम पूरी मेहनत लगा देते हैं एक चीज़ के पीछे और कोई ऐसा बंदा हमसे कुछ छीन के चला जाता है। अब मानो किसी ब्रांच की अगर कट ऑफ है 17,305 और मेरी रैंक है 17,307, मेरे को तो एट दी एंड नहीं मिलेगी ना वो ब्रांच, मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं हाथ हथौड़ा मार लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरे को तो नहीं मिलने वाली। और मानो एक बच्चा भी मेरे से आगे था जो कि था स्कैमर, उसको मिल गई वो ब्रांच, वो चला गया मेरी जगह, तो भाई मेरा तो एक तरीके से सपना टूट गया ना उस ब्रांच में जाने का। तो तुम खुद बताओ यार ये कितना इनजस्टिस हम लोगों के साथ हो रहा है, और हम लोग सारा टाइम सिर्फ मेहनत पे इतना ध्यान लगाते हैं, जबकि ऐसे लोग जो डिज़र्व नहीं करते हैं वो आकर ये चीज़ हमसे छीन कर ले जाते हैं। अब यार इस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैं तुम्हें ज़रूर करने के लिए बोलूँगा, वो है कि यार ट्विटर पे जाओ, ट्विटर में बहुत पावर है, और भाई ट्वीट करो विद द #JEEMainScam एंड #JEEMainScam2021, और भाई टैग जरूर करना हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर को @DPradhanBJP, ठीक है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और यार हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जेई एडवांस में और अगले साल होने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यार ये जो पैटर्न में गंद मचाया गया है, एक तो मेरे को बहुत लगता है कि जेई मेंस का पैटर्न बिल्कुल बेकार हो गया है। मतलब कहाँ 200 नंबर पे भाई 200 नंबर आउट ऑफ 300 बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है, लेकिन उस पर कुछ बच्चा कोई नहीं कुछ नहीं ला पा रहा, तो कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। एक तो पैटर्न भी चेंज होना चाहिए, प्लस जो हमारा ये चीज़ हुई है सिक्योरिटी वगैरह की जो चीज़ों के इश्यूज हैं, ठीक है, जो मतलब इनफिल्ट्रेशन है हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर, तो भाई इन सब चीज़ों पे भी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भाई ट्वीट ज़रूर करना, ठीक है, और अगर मैं ट्वीट करता हूँ तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम उसको जाकर रीट्वीट कर सकते हो, वरना मैं ज़रूर कहूँगा अगर तुम ट्विटर नहीं भी यूज़ करते हो तो जाओ सिर्फ 10 सेकंड के लिए, बार बार उस पर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, एक ट्वीट अपना डाल दो #JEEMainScam, ठीक है। तो भाई इससे अभी बहुत लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, हम भी करेंगे, ठीक है, ताकि कहीं तक ये बात पहुँचे और जो इनजस्टिस भाई मेहनती बंदों के साथ होता है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें अगले साल तक। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ताकि YouTube इस वीडियो को प्रमोट करे और दूसरे लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे, और इस वीडियो पर कॉमेंट करके जाओ कि क्या लगता है तुम्हें कि
तुम्हें कैसा फील होता है इस सारी चीज के बारे में जो ये स्कैम इस समय इंडिया में हुआ, ठीक है? और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है? आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी कमाल की वीडियोस तुम्हारे लिए आ रही होंगी, हर तरह की हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, जेई से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स भी आएंगे चैनल के ऊपर, ठीक है? तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स सी यू।